मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रेन, कछुआरा बायोलॉजी। आज तीसरे चैप्टर का शीर्षक है भ्रूणी कलाएं। भ्रूणी कलाएं यानी भ्रूण निषेचन के पश्चात बनता है और निषेचन की पश्चात की अवस्था भ्रूण होता है। भ्रूण की सुरक्षा, भ्रूण को व्यवस्थित रखने के लिए, सक्रिय अवस्था में बनाए रखने के लिए, भ्रूण की चारों ओर कुछ ऐसी कलाओं का निर्माण होता है जिसके द्वारा भ्रूण में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती हैं। तो ऐसी अवस्था में भ्रूण के चारों ओर निर्मित होने वाली झिल्लियों या कलाओं को ही भ्रूणी कला कहा जाता है। उच्च वर्ग के प्राणियों जैसे स्तनियों में, सरीसृपों में, पक्षियों यानी मानव आदि में भ्रूण के चारों ओर भ्रूण की क्रियाओं को व्यवस्थित रखने के लिए, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं और इन झिल्लियों को ही भ्रूणी कला कहा जाता है। इन झिल्लियों को निम्न भागों में बांटते हैं, जैसे नंबर एक है में उल्ब या एमिनियान स्तर होता है। उल्ब इसको एमिनियान कहते हैं। एमिनियान तो यह जो झिल्ली है एमिनियान, यह भ्रूण की चारों ओर से घेरे रहती है। यानी ये झिल्ली जो है, जैसे ये है एम्ब्रियो और इस एम्ब्रियो को ऐसे चारों तरफ से ये झिल्ली क्या होती है, कवर रखती है, ढकी रहती है। यानी इसको क्या करती है, ढकी रहती है, घेरे रहती है। और इसके साथ साथ इससे जो होता है एक प्रकार की गुहा का निर्माण होता है। जब गुहा का निर्माण होता है तो इस एमनियाटिक गुहा में या उल्ब गुहा में विशेष प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है और इस तरल को एमनियाटिक तरल भी कहते हैं और ऐसी गुहा को एमनियाटिक गुहा कहते हैं। यह भ्रूण को आघातों से बचाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस भ्रूण के चारों ओर यानी जो है ये जो एक झिल्ली का निर्माण हो रहा है, ये झिल्ली जो है इसकी सुरक्षा का काम कर रहा है और इस झिल्ली के द्वारा एक कैविटी का निर्माण हो जाता है। यानी क्या चीज़, कैविटी। कैविटी मीन्स होता है गुहा का निर्माण होता है और इस गुहा को एमनियाटिक गुहा या उल्ब गुहा कहते हैं। और इस गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ यानी फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड जो है भरा होता है और ये फ्लूइड क्या करता है, भ्रूण को बाहरी आघातों से सहायता यानी सुरक्षा प्रदान करता है जिससे भ्रूण व्यवस्थित अवस्था में, सुव्यवस्थित कंडीशन में बना रहता है। दूसरा स्तर होता है कोरियान। पहला स्तर ये है उल्ब या एमिनियान, दूसरा स्तर होता है कोरियान। कोरियान कोरियान
देखिए कोरियन कंडीशन कैसी होती है, तो कहने का मतलब यह अमोनियन झिल्ली से चारों ओर से क्या होता है, घिरा होता है। यानी आप पहला स्तर पढ़ लिए हैं उल्व स्तर, तो इस प्रकार की जो मेम्ब्रेन है, झिल्लियां हैं, इस झिल्ली से क्या होता है, ये पूरा स्तर क्या है, यानी पूरा भाग जो होता है भ्रूण का घिरा होता है। और इसके साथ साथ यानी ये स्तर जो घेरे रहता है, यह अपरा का एक भाग बनाता है। और ये अपरा मीन्स क्या होता है, आंवल होता है, यानी प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा का एक भाग जो होता है कोरियन बनाता है, जिसके माध्यम से यानी भ्रूण की पोषण की क्रियाएं संपन्न होती, अर्थात भ्रूण को पोषण प्राप्त होता रहता है। और ये विशेष रूप से इसकी बाहरी सतह पर छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, और इसकी विशेष यानी सतह होती है, इस सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे रसांकुर होते हैं। और इसके साथ साथ यह श्वसन पोषण तथा उत्सर्जन की क्रियाओं में सहायता करता है। यानी कोरियन स्तर जो होता है भ्रूण की क्रियाओं में, कैसी क्रियाएं, पोषण की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है या उत्सर्जन की क्रिया है, इन सभी क्रियाओं में कोरियन स्तर क्या करता है, सहायता प्रदान करता है भ्रूण के लिए। तीसरी बात होती है ये एलोन्टाइस यानी जरायु, या इसको कहते हैं अपरापोषिका। तीसरा नंबर है अपरापोषिका, इसे कहते हैं एलेंटोएस या एलेंटोएस है। अपरापोषिका यानी पहला स्तर उल्व या अमोनियन, दूसरा कोरियन या इसको जरायु भी कहते हैं, और तीसरा स्तर आता है इसमें अपरापोषिका। तो देखिए अपरापोषिका ये विशेष करके क्या होती है, एक संयोजी संरचना होती है, यानी मानव के भ्रूण में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की अवशेषी संरचना ही क्या होती है, एलेंटोइस या अपरापोषिका कहलाती है। और अन्य स्तनियों में भी भ्रूण का विकास जो होता है इसी की सहायता से ही होता है, जैसे सरीसृप में भी है और पक्षियों में भी है, पक्षी वर्ग है या अन्य वर्गों के प्राणी जो भी हैं, इन सब में क्या होता है, यानी कि एक ऐसी विशेष संरचना होती है जो भ्रूण की सुरक्षा का कार्य करती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ये विशेष रूप से जो होता है भ्रूण का जो नाभि होता है, सेंटर होता है, हेलियम होता है, उससे जुड़ा होता है। और इसके जुड़ने से भ्रूण को पोषक पदार्थों की जो भी मात्राएं होती हैं या आवश्यक भोज पदार्थ जो होते हैं, इस एलेंटोइस के माध्यम से, अपरापोषिका के माध्यम से निरंतर प्राप्त होता रहता है, निरंतर प्राप्त होता रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये अपरापोषिका जो भ्रूण का स्तर है, ये विशेष करके क्या करता है, भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है या श्वसन की क्रिया हो रही है, तो उसमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ दोनों को क्या करता है, ये प्रदान करता रहता है। अर्थात इसकी क्रियाओं में ये सहायता करती है, कौन सा, अपरापोषिका स्तर। इसी प्रकार से एक और स्तर होता है यानी पीतक होता है या पीत स्तर होता है, पीतक स्तर होता है, पीत कोष होता है, इसको कहते हैं पीत कोष। ये भी क्या होता है, यानी भ्रूण की एक ऐसी अवस्था, ये भी क्या है, भ्रूणी परिवर्धन के समय अर्थात भ्रूण के विकास के समय भी एक स्तर का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण की क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। आज हम आप लोगों को यहीं तक बता रहे हैं भ्रूणी कलाएँ, और नेक्स्ट वीडियो पर एक और टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी पार्चुरिशन है, अर्थात
प्रसव की क्रिया है और इस प्रसव की क्रिया को नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को बताएंगे और इसे आप लोग अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।